बकरी के नवजात बच्चों, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में मेमने भी कहा जाता है, की मृत्यु बकरी पालकों के लिए आर्थिक नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। इसको मेमनों के बेहतर प्रबंधन और पोषण से कम किया जा सकता है। एक संगठित बकरी फार्म में मेमनों की मृत्यु दर 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेमनों की देखभाल उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। गर्भावस्था के आखिरी 6 हफ्तों के दौरान बच्चे की वृद्धि सर्वाधिक होती है, इसलिए इस समय में बकरी को प्रतिदिन 250 ग्राम दाना और 5 किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए। बकरी को बच्चा देने के 10 से 12 दिन पहले लगभग 1.5 मीटर लंबे व 1.2 मीटर चौड़े हवादार और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था वाले व्यक्तिगत स्टॉल में रखना चाहिए। इसमें 5 सेंटीमीटर मोटाई का सूखा बिछावन होना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद मेमने के नाक और मुंह से कफ को हटा दें। यदि बकरी नवजात बच्चे को ना चाटे तो उसे सूखे कपड़े या बोरी से रगड़कर सुखाएं। नेवल कॉर्ड या सुंडी को शरीर से लगभग 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रस्सी अथवा सूती धागे से बांध देना चाहिए और बंधी हुई जगह से 1 सेंटीमीटर नीचे काटकर उसे टिंचर आयोडीन या कोई एंटीबायोटिक में डुबोना चाहिए। मेमने को बकरी का पहला दूध यानी कोलस्ट्र या खीस जन्म के 15 से 30 मिनट के अंदर पिलाना चाहिए। लगभग 10 से 12 घंटों में बच्चे को दूसरी खुराक देना अत्यधिक उपयोगी होता है। मेमने को जन्म के दूसरे सप्ताह से थोड़ी मात्रा में दाना मिश्रण और 1 महीने बाद से अच्छी गुणवत्ता वाली घास दी जानी चाहिए। मेमनों को शरीर के वजन के आधार पर 7वें और 21वें दिन कृमिनाशक दवा दी जानी चाहिए। संक्रामक रोग जैसे पीपीआर और फड़किया से बचाने हेतु निर्धारित समय पर टीकाकरण जरूरी है। वीडियो में दर्शाए गए प्रबंधन उपायों का अनुसरण करके बकरी पालक मेमनों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए लाभान्वित हो सकते हैं।